एनडी अब आई थिंक 5 मार्च तक आपके बोर्ड एग्जाम्स हो जाएंगे, और अप्रैल में जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुकेंगे आपका एनडी एग्जाम हाथ में आ जाएगा। बिल्कुल और आपने एक बहुत ही बिग स्टेटमेंट कही थी, वो ये आपने कही थी कि 80% सिलेबस आता है 11th का बिल्कुल और 12th का बचा 20%। तो मतलब एनडीए तो भूल जाओ, ड्रॉप करो, फिर तैयारी करो, फिर एनडीए क्वालिफाई करो, फिर एसएससी देने जाओ। बिल्कुल तो 1 साल तो बेकार हो गया सर इस बार मेरे हिसाब से। बेकार नहीं हुआ है। A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform. मेरा नाम है शुभम वाशने, और जिन्हें आपने अभी देखा वो है नमस्ते। इनके साथ एक वीडियो बनाई थी जो कि कमाल की चल रही है, और वो है हाउ टू प्रिपेयर एनडीए विद क्लास 10, 11, 12 और बीइंग अ 12 पास आउट। अगर आपने मिस कर दिए, सिंपल टाइप करना एनडीए प्रिपरेशन नमित एंड यू विल फाइंड इट। नाउ नाउ अभी सवाल कुछ अलग है, मैंने इन्हें दोबारा बुलाया है और मैंने बुलाया इनको एक सवाल के लिए, बोर्ड एग्जाम वर्सेस एनडीए एग्जाम। मतलब देखिए, अगर मान लीजिए बोर्ड एग्जाम के साथ आपने एनडीए निकाल लिया तो आपकी लाइफ यहां से उठ के यहां पहुंच जाएगी, इनके साथ ये पीओपी में फोटो के साथ आपकी पहुंच जाएगी। अब ये चीज मैनेज होगी कैसे, इस बात को हमें समझना है। देखो, प्री बोर्ड हैव आइदर मतलब आपके स्टार्ट हो चुके होंगे या स्टार्ट होने वाले होंगे। अब यहां पर सीन क्या है कि एनडीए में जो सिलेबस होता है 11th का, उसकी वेटेज ज्यादा होती है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, 12th में तो 11th का सिलेबस आएगा नहीं, तो अब ये काम बनेगा कैसे हमारा कि हमारी एनडीए निकल जाए। अब हमें 12th के मार्क्स के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आपके आई एम श्योर पेरेंट्स ने आपको बोल दिया होगा, बेटा आप तू सब छोड़ के 12th के प्रिपरेशन में लग जा, तेरी इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कैसी भी चल रही हो तो 12th के मार्क्स इकट्ठा करने में लग जा, क्योंकि वो पूरी जिंदगी काउंट होंगे। यहां तक की बात समझ में आ रही होगी। अब समझ में आए, आपको ये नहीं आ रहा होगा यार मेरा सपना तो एनडीए है, बैकअप प्लान के लिए मम्मी ने कह दिया था इंजीनियरिंग भी कर ले, ठीक है, और 12th के मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है, तो आप करें तो क्या करें। आपके दिमाग में एक बात आएगी, आपका दिमाग जो बोल रहा होगा मैं वो बात कर रहा हूँ, यार एनडीए अगर क्वालिफाई कर लिया तो मार्क्स की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी ना, क्योंकि 12th के मार्क्स तो कोई पूछेगा ही नहीं। अगर मैं अगर एनडीए में रिकमेंड हो गया और मैं ऐसी मेहनत करूंगा कि मैं एनडीए में रिकमेंड हो जाऊंगा, दिस इज अ पेप टॉक गोइंग इन योर हेड। दूसरी बात ये चल रही होगी, या शायद मम्मी पापा सही है, एक बार फोकस कर लेता हूँ 12th पे, अगर 12th में फेल हो गया ठीक है, 12th में मतलब अच्छे नंबर नहीं आए तो यार पूरी जिंदगी वही नंबर आएंगे, और एनडीए तो फिर दोबारा आएगा ही आएगा। बट अगेन मैं वहां पर आपको पहले वाली कहानी पे लेके जाऊंगा कि अगर आपने साथ में निकाल लिया एनडीए तो आपकी जिंदगी यहां से यहां पहुंच जाएगी, और यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए कि अगर आपने एनडीए अभी तैयार कर लिया, और ये हो सकता है, कैसे होगा हम थोड़ी देर में बाद में बात करेंगे, पर आपकी तैयारी बोर्ड एग्जाम्स के साथ ही हो सकती है एनडीए की, और आपकी जिंदगी यहां तक ट्रांसफर हो सकती है। चलो अब कहानी में जरा थोड़ा और समझते हैं क्या हो रहा होगा और आपकी समस्या क्या चल रही है। देखिए, एनडीए जो है ऑब्जेक्टिव पेपर है, उसमें ग्रामर आती है, यहीं पर बोर्ड एग्जाम सब्जेक्टिव पेपर है, उसमें इंग्लिश लिटरेचर आती है। इंग्लिश दोनों में आती है बट पैटर्न अलग है। यहाँ पर इंग्लिश में आप मतलब इंग्लिश के साथ आपको पीसीएम करना पड़ रहा होगा, जबकि यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर प्लस पीसीएम भी है आपके पास, और इसमें मैथ्स का वेटेज 11th का ज्यादा है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अब समस्या आ रही है दोनों को एक साथ कैसे करेंगे। देखिए, मोटा मोटा ज्ञान तो आपको यहां से मिल गया होगा कि भाई अगर मैं 12th में हूं तो भी मैं पढ़ाई कैसे करूं, अगर आपने वीडियो देखी है तो, नहीं देखी है देख लेना, बहुत अच्छी है एनडीए प्रिपरेशन नमित, ठीक। बट यहां पर मैंने इन्हीं इंसान को बुलाया है, अब इनकी ऐसी क्या क्वालिफिकेशन है जो मैं इनको बुला रहा हूं। देखिए, ये ग्लोबल डिफेंस अकेडमी के एमडी है, एंड ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर 100 ऑफ स्टूडेंट्स रिटन क्वालिफिकेशन। मतलब ये 50 बच्चे लेते हैं करीबन, और 50 में ऑलमोस्ट 90 to 95 हो जाते हैं रिटन क्वालिफाइड, एंड दैट्स हिज रेशियो। तो मैंने इन्हें बुलाया कि सर आपके यहाँ भी तो ऐसे बच्चे होते होंगे जो 12th में होते होंगे और 12th के साथ उन्हें तैयारी करनी होती है एनडीए की। उन्होंने कहा हाँ, तो आपकी एडवाइसेस क्या है और सोर्सेस क्या है, ऐसे कुछ फ्री सोर्सेस बता दें जहां से उनकी कम से कम एनडीए के लिए शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाए, ठीक है, और कहीं ना कहीं जो 12th का रिविजन है वो भी हो जाए। ऐसा कोई सोर्स, फ्री सोर्स बता दें, फ्री यूट्यूब पे मिल जाए तो मजा आ जाएगा। अब यहां तक की बात करने के लिए मैंने सर को कहा कि आप आ जाओ, तो मैंने इनके साथ एक वीडियो बनाई है, बोर्ड एग्जाम वर्सेस एनडी एग्जाम एंड हाउ टू मैनेज बोथ। ये आ रही है 19 दिसंबर को 9 PM। बट अगर ये वीडियो पे 300 से कम लाइक्स आते हैं तो ये वीडियो हटा दी जाएगी, बिकॉज अगर वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे हैं किसी भी कारण से तो उसके होने का कोई मतलब ही नहीं बैठता। सो मैं चाहता हूं मोर देन 300 लाइक्स आप इसको पहुंचाएं, सो दैट द मोरल बूस्ट हो
ठीक है, सर को भी लगे कि हाँ यार आने का कुछ फायदा है फ्री एडवाइस देने का, क्योंकि बिना व्यूज के बिना लाइक्स के कोई भी वीडियो सरवाइव नहीं करती है। और जब लाइक ज्यादा होते हैं तो ये वीडियो ज्यादा दूर तक पहुंचती है लोगों तक, कि बिना रिलीज करे बिना वीडियो रिलीज करे ये पहुंच चुकी है मोर देन 300 पीपल के पास। तो इसको ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करो, यूट्यूब इसे ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करता है और यही मैं चाहता हूं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक पे क्लिक करो और वहां पर जाकर लाइक ठोको। लाइक ठोकने के बाद अपने सवाल भी पूछो, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हैशटैग वाचने डालना और एनडीए के रिगार्डिंग जो भी सवाल है पूछना। मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए जितनी बातें मैंने अभी तक आपसे की वो तो मैं पूछने ही वाला हूं, बट यहां पर सीन ये क्या है कि मैंने 12th की थी आज से 5 साल पहले, 5 से 6 साल पहले। मैं 6 साल पुरानी नॉलेज के साथ आपको क्वेश्चन पूछ के दिखाऊंगा, वो शायद आपको मजा ना आए। तो मैं चाहता हूं आप अपने सवाल डालें, जब आप अपने सवाल डालेंगे तब और मजा आएगा। ठीक है, मैं लेता हूं आपसे विदा। तो याद रखें अगर आपको सवाल भी डालने हैं तो आप क्या करेंगे, लिंक जो इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाएंगे और वहां जाके सवाल डालेंगे और 300 लाइक से ऊपर आप इसको देंगे, जिससे हमें इस वीडियो को एक ग्रेट स्टार्ट मिले, ग्रेट लॉन्च मिले और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचे। क्योंकि अगर आपको फ्री दे रहे हैं, अगेन अगर आपको कोई चीज फ्री दे रहे हैं और वो नहीं चल रही है तो हम ऐसा कोई वीडियो बनाएंगे नहीं, इस आइडिया को स्क्रैप कर दिया जाएगा। सो गो एंड हिट लाइक, दैट्स अ फ्री ऑफ कॉस्टिंग फॉर यू एंड अस ऑल्सो, प्लीज डू दैट एंड वी सी यू ऑन 19th of December एट 9 PM, मतलब सैटरडे को मिलता हूँ आपसे। जरूर पूछिए क्वेश्चन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।